भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने गुरुवार पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को बने लगभग 14 महीने पूर्ण हो रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद सबसे पहले लिया गया निर्णय हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर भारी पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय जनहित का करती है, लेकिन कांग्रेस की सुखविंदर सरकार ने बिना कैबिनेट के आनंद फानन में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए और संस्थानों को बंद करने का सिलसिला महीनों तक जारी रहा। राजीव बिंदल ने कहा कि 14 महीनों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने एक भी स्थायी नौकरी नहीं दी है। इस दौरान सरकार ने एक भी प्रोफेसर, एक भी अध्यापक, एक भी चिकित्सक और एक भी कर्मचारी नहीं रखा। साथ ही 12,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हिमाचल प्रदेश के युवकों के साथ इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता जो वर्तमान सरकार ने आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर किया है। आज हिमाचल प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां लगातार धरने प्रदर्शन ना हो रहे हो। ऐसा कौन सा बदला सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता से ले रही है? प्रदेश के युवा सचिवालय के बाहर रो रो कर कांग्रेस द्वारा की गई बातों को याद करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को बने लगभग 14 महीने पूर्ण हो चले हैं और हर रोज इस बात का इंतजार रहता है कि यह सरकार कोई अच्छा काम करे, परंतु इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे पहला निर्णय किया था वो निर्णय हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो पहला निर्णय जनहित का रहता है, परंतु कांग्रेस की सुखविंदर सरकार का जो पहला निर्णय था और वो भी बिना कैबिनेट के जो निर्णय था, इन्होंने आनन फानन में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए और वो संस्थानों को बंद करने का सिलसिला अगले 3 महीने तक जारी रहा और लगभग 14 महीने में हम ये कह सकते हैं 1400 संस्थान वो वर्तमान सरकार ने बंद किए। अब जैसे जैसे लोगों की परेशानी बढ़ी, कहीं पटवार सर्कल बंद किया तो उनको दूर जाना पड़ता है, 100-100 लोग लाइन में लगे हैं, महीनों महीनों उनका काम नहीं होता, उप तहसीलें बंद कर दी, तहसीलें बंद कर दी, एसडीएम के दफ्तर बंद कर दिए। मैं आपके मीडिया में पढ़ रहा था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद करने से कितने लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, जहां पर चिकित्सक भी थे, स्टाफ भी था, चले हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर सीएचसी उनको बंद किए। हम आज आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार से स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वजह थी कि इन्होंने संस्थान बंद किए। 14 महीने एक भी नौकरी वर्तमान सरकार ने नहीं दी है, एक भी नौकरी, ना अध्यापक रखा, ना पीएन रखा, ना कोई प्रोफेसर रखा, ना कोई डॉक्टर रखा, कोई नहीं रखा, और 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हिमाचल प्रदेश के युवकों के साथ इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता जो वर्तमान सरकार ने किया है। आउटसोर्स पर लगे हुए थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया, और जो अत्यंत महत्वपूर्ण तीसरी बात है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश का जिला ऐसा नहीं है जहां पर लगातार धरने प्रदर्शन ना हो रहे। अब वो कर्मचारियों के हैं तो जगह जगह कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्मचारियों के भी सभी विभागों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु प्रदेश सरकार और कान में तेल डालकर आनंद में है।
यानी एक साल में कभी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन नहीं होते हैं और कर्मचारियों के तो कदापि नहीं होते। आपने मीडिया में छापा, बर्फ पड़ी, रजाइयां गीली हो गई, धरने वालों की रजाई निचोड़ करके वहां पर बैठे। ऐसी भी क्या हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ आप कौन सी और अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं? युवकों के साथ, युवक तुम्हारे यहां आकर के सेक्रेटेरिएट के बाहर जार जार रो रहे हैं, आपकी बातों को याद करा रहे हैं और बड़ी जोर शोर से, बहुत जोर शोर से शिमला में ये कहा गया 67,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश में खाली हैं, हम 67,000 में 33,000 और सृजित करेंगे और 1,00,000 नौकरियां पहली कैबिनेट में जनता को दे।